कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हल्द्वानी के राजीव सुयाल भगवान हनुमान का वेश धारण कर शहर में घूम रहे हैं। इस दौरान राजीव न सिर्फ लोगों को जागरूक करते हैं बल्कि जरूरतमंद लोगों को मास्क भी वितरित करते हैं ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। सुयाल बजुनिया ग्राम सभा के वार्ड सदस्य भी हैं, रामलीला में अभिनय भी करते हैं। वहीं सुयाल ने बताया कि मंगलवार भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, इसलिए वे कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए हनुमान का वेश धारण कर सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को मास्क भी वितरित कर रहे हैं। साथ ही सुयाल शहर के सभी चौक चौराहों पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की अपील भी करते हैं। इसके अलावा वे थानों, कोतवाली और पुलिस चौकी में जाकर भी लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हैं। जैसा कि माना जाता है कि हनुमान जी जो है त्रेता और द्वापर और कलयुग में भी विद्यमान हैं, तो स्वयं हमारे कटघरिया क्षेत्र में बाबा हेड़ा खान महाराज जी आश्रम है, उनकी कृपा से मुझे आज्ञा मिली कि मैं सभी लोगों को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए जागृत करूँ। और ये लोगों को जागृत कर मास्क पहनना जरूरी है और आपस में उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। कहा जाता है कि हनुमान जी जो हैं कलयुग में भी विद्यमान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मानव के जो मन में जो कोरोना का भय है वह बहुत कम दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है हमारी इस भूमि को, इसलिए देव का रूप मैंने ये जो हनुमान जी का रूप लिया है इसलिए लिया है। और इस उत्तराखंड में जो है कोरोना वायरस की महामारी जिस तरह बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा राजीव सुयाल। क्या करते हो आप? मेरा कैटरिंग का कार्य है और शादियों से रिलेटेड। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।